हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर अब हम क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लास्ट 7 to 10 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, ओके। और उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताया करूंगा। जैसे मैंने चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं ना चैनल पे, वैसे डिटेल में हम नहीं चलेंगे, ओके। हम थोड़ा सा शॉर्ट में कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे पहले, और फिर लास्ट 10 इयर्स में आए हुए 7 to 10 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत हेल्पफुल होगा, ओके। तो इस सीरीज को आप अभी से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन आने तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और जो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, ठीक है, वो कवर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग लेते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रियल नंबर, ओके। अच्छा, इस सीरीज में हम एक काम और किया करेंगे कि हम ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ओके। जैसा कि इस साल हमें पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जामिनेशन में, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर किया करेंगे, ओके। आइए पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जो भी चैप्टर हम लोग ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी सुन लें, ठीक है। तो देखिए, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, ठीक है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो आप एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप यूज करते हो, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं, ओके। ये कॉमन सी बात है, सबको पता है लेमा, लेमा लेमा क्या होता है, ठीक है। देखिए, लेमा ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, तो सब लोग कॉपी में नोट कर लें। लेमा क्या है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ओके। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा को प्रूव नहीं किया था, ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट होता है, ठीक है। लेमा का यूज आप दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। आइए एक लेमा का एग्जाम्पल देखते हैं हम हमारे सिलेबस में, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सुना होगा सभी बच्चों ने, ठीक है। ईसीडी शॉर्ट में रिवाइज करते हैं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है, अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, ठीक है, और अगर आपने यहां पर आप अज्यूम कर लीजिए कि लेट अस से कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी से बड़ा है, तो अगर आप क्या करो, अगर आप ए को डिवाइड लगाओगे किससे? बी से, ओके। तो आपके पास ए को बी से डिवाइड लगाओगे तो आपके पास दो इंटीजर और आएंगे जो कि यूनिक होंगे, और इन चारों में कुछ रिलेशन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पर क्यू आया जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, और यहाँ आर आया जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। जहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, क्या, कि जो आर होगा आपका, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी, आर का वैल्यू इक्वल होगा जीरो के या जीरो से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा। एग्जाम्पल देखिए, ठीक, मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं 5 और 2, ठीक, तो इस पर यूक्लिड डिवीजन लगा सकते हो आप बिल्कुल। 5 कैसा बिहेव करेगा? ए जैसा, मैंने आपको बताया था ए क्या होगा, बी से बड़ा, या ए बी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम ए को बी से बड़ा लेके चलते हैं, ये बी क्या है? 2, ठीक है। तो आप 5 को अगर 2 से डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, यहाँ आएगा 1, तो आप देख सकते हो ये क्या है आपका ए है, ये क्या है आपका बी है, ये क्या है आपका क्यू कोशेंट, और ये क्या है आपका रिमाइंडर। तो ए यानी कि ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी इंटू क्यू, यानी कि 2 इंटू 2, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां पर उन्होंने क्या बोला था, आर जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा या तो जीरो से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा, तो चेक करिए आर का वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 जैसा कि हमको पता है कि 1 जीरो से क्या होता है, बड़ा। आर का वैल्यू क्या है? 1, वो जीरो से बड़ा है और बी से छोटा, बी क्या है? 2, सही है, 1 2 से छोटा होता है। इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब यहां पर जो भी आर आ रहा है, आर क्या है हमारा, रिमाइंडर क्या है? 1, तो वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब जीरो के इक्वल तो है नहीं, ठीक है, तो जीरो से बड़ा हो लेकिन बी से क्या हो हर बार? छोटा, बी से क्या हो? छोटा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लो आपने चूज़ किए दो नंबर, 5 और 2 नहीं लिया आपने, 2 और 2 ले लिया। मैंने बोला था ना ए और बी, ए बी से बड़ा हो सकता है या ए और बी इक्वल हो सकते हैं, तो इस टाइम हमने दोनों इक्वल ले लिए, ये ए ये बी, तो क्या करोगे आप, ए को उठाकर बी से डिवाइड लगा दो, ओके। तो ये देखिए, ए को जब आप बी से डिवाइड लगाओगे, 2 1 2, रिमाइंडर बचा 0, ये बिहेव कर रहा है ए जैसा, ये बिहेव कर रहा है बी जैसा, ये बिहेव कर रहा है क्यू जैसा, ठीक है, और ये 0 रिमाइंडर हो गया आपका, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, अब आप क्या कर सकते हो, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि 2 इज इक्वल्स टू
2 इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस r, r क्या है आपका 0, और चेक कर लीजिए 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 0 ही होता है, क्योंकि 2 वन जो 2 प्लस 0 2 होगा, तो एल एच एस आर एच एस के इक्वल होगा। और इंपॉर्टेंट बात कि जो रिमाइंडर आया आपका चेक करिए, उसने क्या बोला था कि रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है या तो b से, सॉरी 0 के इक्वल होता है तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। तो चेक करिए आपका r क्या है इस टाइम 0, ये क्या है, अरे भाई r क्या है 0, ये 0 के इक्वल ही तो है। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, या तो जो रिमाइंडर वो 0 के इक्वल हो या तो 0 से बड़ा। तो इस बार पिछली बार क्या हुआ था, जो रिमाइंडर था वो 0 से बड़ा था, इस बार क्या है जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल है, लेकिन लेस देन b होना चाहिए। b क्या है आपका 2, तो चेक करो जो रिमाइंडर है आपका 0 वो 2 से क्या है, b से क्या है छोटा, b क्या है यहाँ पर 2। ओके, तो ये हो गई यूक्लिड डिविजन लेमा। चलिए अब चलिए और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट अगर आपको बताएं तो अब यूक्लिड डिविजन लेमा का यूज करके हम एस सी एफ निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, वो क्वेश्चन करते टाइम हम आपको बताएंगे, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको लेना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट होंगे ना, जो छूट जाएंगे कुछ, तो हम क्वेश्चन में कवर कर लिया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पूरा डिटेल में देखना हो तो चैप्टर अपलोड है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ हम शॉर्ट में बस क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर के, आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए। ठीक है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि आपके पास अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर है, क्या है, अगर आपके पास कोई कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है ये मैं बच्चों को बता देता हूँ। देखिए पहले आप समझ लीजिए प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, ये सब बच्चे समझ लें, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं ना जो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो वन से डिविजिबल हो। जैसे कि देखिए, जैसे फाइव है ना, तो फाइव क्या है भाई, आपको पता है फाइव या तो फाइव से ही डिवाइड हो जाएगा, है ना, चेक करो ना, फाइव या तो खुद से डिवाइड होगा, फाइव अंजा फाइव, ये देखिए डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए जीरो, और या तो फाइव किससे डिवाइड होगा, या तो फाइव वन से डिवाइड होगा, वन फाइव जा फाइव, यहाँ आ गया जीरो। तो इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं बस, एक तो खुद और एक वन बस। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। अब जैसे सिक्स है ना, सिक्स प्राइम नंबर भी है, सिक्स प्राइम नंबर नहीं, क्यों, सिक्स टू से भी डिवाइड हो जाएगा, सिक्स थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा, सिक्स वन से भी डिवाइड हो जाएगा, और सिक्स सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर है केवल जो दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, एक तो खुद से और एक वन से। ठीक, जैसे कि मान लीजिए सेवन है, बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, ये वन से डिवाइड हो जाएगा और सेवन से, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर जो नहीं है ना वो कॉम्पोजिट नंबर है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे कि सिक्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि जो कॉम्पोजिट नंबर होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी नंबर कॉम्पोजिट है। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात, वन को ना तो आप प्राइम लीजिएगा, ना तो ये क्या है, नोट कर लीजिए इसको, नाइदर प्राइम, ठीक है, नॉर नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, इसको ना तो आपको प्राइम लेना है ना तो कॉम्पोजिट। ठीक है, ये यूनिवर्सल नंबर होता है। ठीक, तो वन प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई कॉम्पोजिट नंबर है ना, जैसे कि मान लो आपके पास कोई कॉम्पोजिट नंबर है, कोई भी ले लो आप, 12 ले लो, ठीक है, कोई कॉम्पोजिट नंबर है 12, ये कॉम्पोजिट नंबर है, चेक कर लो ये प्राइम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, कॉम्पोजिट नंबर है आपके पास 12, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, कैसे लिख सकते हैं, देखिए सबको पता है, ऐसे हम इसको डिवाइड लगाते चलेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ओके सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, है ना, 3 1 जा 3, ठीक, बस यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। तो आपने क्या किया, कॉम्पोजिट नंबर को कैसा लिखा, प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। देखो
ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, ठीक है, टू प्राइम और थ्री प्राइम, यानी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट ये देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो और कोई नंबर ले लो, सिक्स है, ठीक है, तो सिक्स को आप सिक्स के, इसको हम बोलते हैं कि प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, ये देखो टू थ्री जा थ्री वन जा, ठीक, तो चेक करो सिक्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि सिक्स का सिक्स ऐसा नहीं कि खुद से डिवाइड होता है और वन से नहीं, ये टू से और थ्री से भी डिवाइड होता है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, बट आप इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो पहली बात तो ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और दूसरी बात ये कहता है कि ये जो आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा है कॉम्पोजिट नंबर को, ठीक है, ये यूनिक होता है, ये क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि यहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ ब्लू पेन से लिख देता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में जो आप कॉम्पोजिट नंबर को लिख सकते हो ना, ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आपने निकाले ये यूनिक होता है। इसका क्या मतलब है, यूनिक का मतलब मैं समझाता हूँ आपको, सुनिए, यूनिक का मतलब होता है कि अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जैसा, मतलब इसके अलावा इसको और कुछ नहीं लिखा जा सकता है, केवल ऐसा ही लिखा जा सकता है, सच बात है। देखिए 12 का प्राइम फैक्टर करो आप, तो आप उसको 2 into 2 into 3 ही लिख सकते हो, कभी भी ध्यान से देखिए 12 को आप ऐसा तो लिख नहीं सकते हो 7 into 3 into 2 into 5, ऐसा तो नहीं लिख सकते हो। तो यानी कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के जो आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, या किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आपने किया, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा यूनिक होता है, ऐसा ही होता है। अगर 10 साल बाद भी 12 का प्राइम फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में 12 को लिखा जाएगा तो ऐसा ही लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, है ना, चेक करो, यहाँ तो वैल्यू चेंज होगा, मल्टीप्लाई करो तो आंसर 12 नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर 12 आएगा, ठीक। सिक्स को आप 2 into 3 ही लिख सकते हो, सिक्स को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि 2 into 7 into 3 आपने किसी और प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, नहीं। तो ये जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कॉम्पोजिट नंबर को लिखा जाता है ये यूनिक होता है, ध्यान दें। और एक इंपॉर्टेंट बात सब लोग सीख लें कि जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 2, कितनी बार आया, दो बार, तो 2 की पावर 2 लगा देंगे, ठीक। अगर 2 यहाँ 3 बार आया होता था 2 की पावर 3 लगा देते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और एक इंपॉर्टेंट बात समझिए जरा, यहाँ कभी भी जब आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे तो इंटू वन नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि भाई देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 3 जा 12 12 1 जा 12, आंसर तो 12 आएगा, लेकिन ये यहाँ 1 नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 प्राइम नंबर नहीं होता, और आपको कंपोजिट नंबर को कैसा लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो इंटू वन कभी नहीं लिखा करिएगा आप, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, ठीक। अब आइए जरा आपको LCM और SCF निकालना सिखाते हैं, क्या LCM और SCF निकालना सिखाते हैं, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि LCM और SCF हम कैसे निकालेंगे, और मेथड क्या है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड SCF एंड LCM, ओके, SCF और LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं SCF कैसे निकालते हैं, ठीक है, SCF ऑफ टू नंबर्स या 2 से ज्यादा नंबर। सुनिए, SCF निकालना आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से सीखा होगा, वो अभी मैंने यहाँ रिवाइज नहीं कराया, क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम SCF या LCM निकालना जा रहे हैं किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो SCF ऑफ टू और मोर नंबर भी बोल सकते हो आप, ऑफ टू और मोर नंबर, ठीक, कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको लेना है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, देखिए मैं आपको नोट कर देता हूँ, क्या, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ठीक। अब इसका क्या मतलब बताता हूँ अभी मैं, और LCM आप कैसे निकालोगे, ठीक है, LCM आप निकाला करोगे प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक। आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
एलसीएम और एचसीएफ निकाल के, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास है, मान लीजिए हम ले लेते हैं, आइए 12 ओके और 6 ठीक। अब इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे ठीक। देखिए 12 के आप पहले क्या करिए, 12 के आप करिए प्राइम फैक्टर, क्या करने हैं आपको, प्राइम फैक्टर करने हैं ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं इन्वॉल्वड इन द नंबर, इन्वॉल्वड इन द नंबर। देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 ओके, और 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3। अगर आपसे कोई बोले एचसीएफ निकालो ठीक, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये प्राइम फैक्टर हमने किए हैं ना इसके ठीक है। अब देखिए एचसीएफ निकालना है, मैंने क्या बताया एचसीएफ में, यहां पढ़िए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व इन द पावर ऑफ इन्वॉल्व इन द पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर ओके सॉरी इन्वॉल्व इन द नंबर यहां पर है ना ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, मतलब देखिए आपको क्या करना है, ईच कॉमन फैक्टर ढूंढना है, क्या करना है, ईच कॉमन फैक्टर ढूंढना है, यानी कि समझिए जरा। देखिए 12 और 6 का एचसीएफ निकालने आ रहे हो आप, एचसीएफ ऑफ 12 और 6 ठीक है। आपने पहले इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, इसको भी लिख दिया, अब ना कॉमन प्राइम नंबर ढूंढो, कॉमन प्राइम नंबर। जैसा कि मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर 2 आ रहा है भाई, 12 के प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या 6 में भी आ रहा है, हाँ आ रहा है, चेक करो ना, यहाँ भी 2 आ रहा है 12 के प्राइम फैक्टर में भी और 6 के प्राइम फैक्टर में भी 2 आ रहा है। तो ना आपको 2 को कॉमन लेना है, लेकिन 2 को कॉमन नहीं लेना है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर को। अब पढ़ो जरा, स्मॉलेस्ट पावर लेनी किसकी, ईच कॉमन फैक्टर की। पहले तो कॉमन फैक्टर ढूंढ लो, यानी कि जो ऊपर भी आता हो नीचे भी आता हो ठीक है, 2 इन दोनों में कॉमन है। लेकिन अब 2 की स्मॉलेस्ट पावर लेनी, 2 की स्मॉलेस्ट पावर लेनी। देखो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था 2 की पावर 2 × 3 और इसको तो आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर ऐसे ही लिख सकते हो, तो 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 ओके। इसको भी आप 3 की पावर 1 लिख सकते हो, 3 एक बार आया ना, तो 3 की पावर 1 ठीक है। अब देखो 2 यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, हाँ 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है बताओ, 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2 होती है कि 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1, 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1 ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा एचसीएफ ऑफ 12 एंड 6 में 2 की स्मॉलेस्ट पावर लेनी ठीक है, जो भी दोनों में कॉमन हो। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आगे बढ़ो, और कोई नंबर कॉमन है दोनों में, मतलब और कोई प्राइम नंबर कॉमन है, हाँ कॉमन है, कौन है, 3 कॉमन है ठीक है। तो 3 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी, लेकिन 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, चेक करो 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1, यहाँ भी कितनी, 1, तो यानी कि 3 की स्मॉलेस्ट पावर आ जाएगी। और पढ़ लो एचसीएफ कैसे निकाला था, प्रोडक्ट लेना है किसका, अभी तक ये नहीं पढ़ा था मैंने, बस इतना अंडरलाइन किया था मैंने, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर चूज करने के बाद उनका क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, 2 3 का कितना आ गया 6, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 6 है ओके। अब यहीं पर अगर मैं आपको बोल दूं एलसीएम निकाल दो, क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो ठीक। तो एलसीएम का डेफिनेशन पढ़ लो, क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट लेना है किसका, ईच प्राइम फैक्टर का ईच, यहां पे कॉमन अमन नहीं देखना, पिछली बार क्या देखना था, ईच कॉमन फैक्टर देखना था, यहां पे कॉमन फैक्टर नहीं चूज करना, नो यानी कि यहां पर आपको सभी प्राइम नंबर को लेना है और उनका ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो आइए ढूंढते हैं, पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, मतलब चाहे 12 में हो चाहे 6 में हो, जब आपने उसका प्राइम फैक्टर कर लिया ना, तो आपको प्राइम नंबर को ढूंढना है, कितने प्राइम नंबर है, चाहे 12 में आता हो चाहे ना आता हो। जैसे समझिए जरा बात, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 5 आता ऊपर और नीचे ना आता, तब भी हम 5 को लेते हैं, यहाँ कॉमन नहीं देखते हैं एलसीएम में, तब भी हम 5 को लेते हैं, 5 का हाइएस्ट पावर लेते हैं ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा ठीक। तो बहरहाल यहाँ पर ऊपर 2 आ रहा है, नीचे आए चाहे ना उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बस अब आप 2 का हाइएस्ट पावर ढूंढ दो जाके, कहाँ है, ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, तो 2 की पावर 2 ले लिया मैंने, हाइएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2। अब 3 की बारी ठीक, 3 का हाइएस्ट पावर क्या है, 1 ही, 3 का हाइएस्ट पावर क्या है, 1 ही ओके, 3 का हाइएस्ट पावर क्या है, 1 ही ठीक। अब और कोई नंबर तो नहीं बचा, चेक कर लो, नहीं, अगर यहाँ 5 होता नीचे या ऊपर कहीं भी 5 भी ले लेते हैं ओके। तो हर प्राइम फैक्टर को यहाँ पे आपको लेना, हर प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर लेके सबको मल्टीप्लाई कर देना,
2 का पावर 2 क्या होता है 4 और 3 का पावर 1 3 4 3 का कितना आ गया 12 तो एलसीएम हो गया 12 और 6 का कितना 12 तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर से हम क्या करते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं ठीक है एक और फार्मूला आपको बता दूं लेकिन अगला जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फार्मूला केवल दो नंबर पे ही लगता है हमेशा याद रख लीजिएगा वो फार्मूला केवल दो नंबर पर ही लगता है ठीक है जैसे फार्मूला है आपका नोट कर लीजिए कॉपी में एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इनटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए इनटू बी यानी कि सिंपल सा है इसमें कोई दिक्कत नहीं क्या अगर दो नंबर है ना आपके पास तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है एग्जाम्पल के तौर पे जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था पीछे ठीक है ना जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था पीछे उसमें याद होगा आपको आपका एचसीएफ आया था 6 और आपका एलसीएम कितना आया था 12 आया था ठीक है ना तो आपके पास नंबर क्या थे ए की वैल्यू 12 थी और बी की वैल्यू क्या थी 6 दो नंबर थे तो दोनों नंबर का एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट करो वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा तो एचसीएफ कितना है 6 एचसीएफ की जगह क्या रखा 6 इंटू एलसीएम की जगह क्या रखा 12 इज इक्वल्स टू दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल दोनों नंबर क्या थे आपके 12 इंटू 6 चेक कर लीजिए 12 6 जा 72 यहाँ भी 12 6 जा 72 तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये रूल केवल किस पे लागू होता है ये रूल केवल लागू होता है किस पे दो नंबर्स के ही एलसीएम एचसीएफ तीन नंबर दिए तो ये रूल नहीं लगता है ध्यान रखिएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है एक कॉन्सेप्ट है इसमें उसको भी हम सीख लेते हैं देखिए उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जैसे एक क्वेश्चन है मान लीजिए 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 ओके इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यानी कि वो कहना चाहता है कि 6 की पावर n जो होगी ओके फॉर एनी नेचुरल नंबर n जहां पर n क्या है कोई क्या है नेचुरल नंबर है ठीक पहले तो मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या है देखिए इसका मतलब ये है कि n का वैल्यू आप कुछ भी लो कोई भी नेचुरल नंबर सोचते 1 2 3 4 n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लो जैसे n 1 लिया तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा 6 n 2 लो तो 6 की पावर 2 36 ठीक n की पावर 3 लो ठीक है तो 6 की पावर 3 मतलब 6 into 6 into 6 6 into 6 36 into 6 6 6 36 3 6 3 18 216 ठीक है तो आप देख रहे हो 6 की पावर कुछ भी ले लो यानी कि n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लो 6 की पावर 4 6 की पावर 5 कुछ भी ले लो कभी भी जो आंसर आएगा वो 0 से एंड नहीं हो रहा है वो 0 से एंड नहीं हो रहा है ओके देखो कोई भी नंबर तभी 0 से एंड होता है जब उसका उसके उसके प्राइम फैक्टर 2 और 2 and 5 होते हैं जैसे देखो 10 किससे एंड हो रहा है 0 से एंड हो रहा है ना तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो 2 into 5 ठीक 100 है जैसे आपके पास ठीक तो 100 2 5 0 इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो आते हैं ना 5 5 5 1 तो ये हो गया 2 into 5 into 5 ठीक इसी तरीके से आप 1000 का कर लेना तो एक इंपॉर्टेंट नोट लगा लीजिए अपनी कॉपी में कि कोई भी नंबर 0 से एंड तभी हुआ 10 0 से एंड हो रहा है 100 0 से एंड हो रहा है ठीक है ये देखिए 50 0 से एंड हो रहा है ठीक है 50 0 से एंड हो रहा है 50 का अगर आप करोगे तो क्या आएगा 2 25 5 5 5 1 तो ये आ रहा 2 into 5 into 5 ठीक है यानी कि कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में क्या होगा 2 and 5 जब उसके प्राइम फैक्टर में क्या होगा 2 and 5 नोट लगा लीजिए जब किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और साथ में 5 हो तभी वो नंबर 0 से एंड होगा अब देखो ये 6 है 6 की पावर n ऐसे लिख लो ठीक अब 6 के प्राइम फैक्टर निकालो क्या हो जाएंगे 2 into 3 अब एक बात बताओ 6 का जब प्राइम फैक्टर निकाला सॉरी यहाँ 5 है यहाँ n है ये पूरे पे वैल्यू कितना चढ़ा हुआ है n पावर कितना चढ़ा हुआ है n तो मैंने पूरे पे n लगा दिया 6 की वैल्यू मैंने प्राइम फैक्टर करके लिख दी 2 into 3 ठीक तो 6 के प्राइम फैक्टर में बताओ 2 and 5 आ रहा है नहीं आ रहा है ये एग्जाम में आपको लिखना है कि क्या लिखोगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज नॉट 2 into 5 ओके दैट्स व्हाई 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फिर से 6 में 2 एंड जैसे कि मान लो 10 की पावर n बोल देता कहता है दिस कैन एंड विद व्हाट 0 यस क्योंकि 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 5 तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 into 5 जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और साथ में 5 आ जाए वही 0 से एंड
होगा. ओके, इसके बाद अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चैप्टर के कुछ